हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका पेंटर सिटीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंडिया के बीच में होने वाली तीसरी T20 इंटरनेशनल की बात करेंगे। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इंडिया ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के अंदर दो मैच हार चुकी है। अगर ये इस मुकाबले में इनको बना रहना है, इस टूर्नामेंट में बना रहना है, तो ये मैच इंडिया को जीतनी बेहद ही जरूरी है। अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीतती है तो ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, क्योंकि टोटल ये 5 मैच की सीरीज है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 8 बजे प्रोविडेंस स्टेडियम गोयाना वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो वैसे बॉलिंग के लिए अच्छी पिच है, स्पिन अच्छा होता है यहाँ पर, और स्पिनर्स ने तो अच्छा ही किया है। जैसे कुलदीप यादव ने पहले मैच के अंदर विकेट निकाली थी, युजेंद्र चहल यहाँ पर रेगुलर विकेट निकाल रहे, तो स्पिनर अच्छा ही कर रहे हैं। और स्लो सर्फेस है और ज़्यादा रन बनते नहीं, लास्ट मैच के अंदर भी ऐसे 150 बने थे और एवरेज यहाँ पर 140-150 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। 13-15 आराम से विकेट्स गिर सकती है। हालांकि यहाँ पर 192 तक यहाँ पर स्कोर बने हुए इंग्लैंड ने बनाया हुआ है यहाँ पर T20 के अंदर। चेजिंग में यहाँ पर ज़्यादातर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस के पहले चेज करना ही पसंद करेगी। तो टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर चेज करना पसंद करेगी। हालांकि लास्ट मैच में इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में आई थिंक यहाँ पर 27 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 9 मुकाबले वेस्ट इंडीज़ ने जीते, 17 मुकाबले यहाँ पर इंडिया ने जीते, एक मैच उनका अबैंडनड रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊँ कि बल्लेबाजी ऐप के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट चल रहा है, डिपॉजिट के ऊपर ऑफर चल रहा है। मतलब आप जितना भी डिपॉजिट करोगे उसका 10% आपको रियल कैश मिलेगा, जिससे आप लोग हर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई जब से ये TDS वगैरह आया ना, यहाँ पर जहाँ हमको फ़ायदा मिले वहाँ पर खेल लेना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर बल्लेबाजी ऐप को हमें डाउनलोड करके वहाँ पर ही डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि जितना डिपॉजिट करेंगे हम लोग, समझ लो कि आप लोग यहाँ पर 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर 100 रुपये आपको रियल कैश मिलेगा, जिससे आप लोग हर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही बात है। और साथ ही में यहाँ पर ग्रैंड लीग वालों के लिए यहाँ पर 3 लाख रुपये का मेगा ग्रैंड लीग है। और इसके साथ जो लोग फैंटासी खेलना नहीं चाहते उनके लिए प्रेडिक्ट करना है, मतलब आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी टीम विन करेगी, कौन सी टीम लॉस करेगी, और वहाँ पर भी आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हो। बाकी जो लोग यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए बड़े कॉन्टेस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, और वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पर बचाव आपका हो रहा है। क्योंकि अदर एप्लीकेशन में अगर आप लोग खेलोगे तो यही कॉन्टेस्ट आप लोग को आई थिंक 170 या फिर 5800 के अंदर मिलेगा, लेकिन यह एक कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पर 5175 में मिल रहा है। तो यहाँ पर ही आप लगभग यहाँ पर 400-500 रुपये आपके यही पर ही बच रहे हैं। जिनका यहाँ पर बजट लो है वो यहाँ पर स्मॉल कम बजट से भी खेल सकते हैं, मतलब 1 रुपये की लीग है भाई। तो जो लोग यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, इनके लिए यहाँ पर 1 रुपये की लीग है और इसके लिए यहाँ पर 10 रुपये की भी लीग है। तो यहाँ पर छोटे से छोटे कॉन्टेस्ट और बड़े से बड़े कॉन्टेस्ट भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तो बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना, और बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, और साथ ही में कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो वहीं से ही आप लोग डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले डिपॉजिट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर 10% रियल कैश मिल रहा है भाई, जहाँ फ़ायदा मिले वहाँ पर उठा लेना चाहिए। इंडिया ने अभी तक 2 मैच खेले, दोनों ही मैच हारे, और ये मुकाबला इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक पूरी कोशिश रहेगी आज इंडिया के लिए, जैसे कि लास्ट बार हमने वनडे के अंदर देखा था, पहली दोनों मैच के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन लास्ट आखिरी वनडे के अंदर 351 रन ठोक दिए थे। तो यही कुछ है। ओपनिंग में यहाँ पर ईशान किशन और शुभमन गिल वनडे में भी 2 मैच के अंदर खामोश रहे थे, इसके बाद जबरदस्त कमबैक किया था, यहाँ पर भी इनसे यही एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो एज अ प्लेयर हम लोग ट्राई करना, आप लोग चांस करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी ईशान किशन वेरी इंपॉर्टेंट पिक, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करवाएगी तो मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकता हूँ। वैसे लास्ट मैच के अंदर भी मैंने इनको कैप्टन किया था, आगे भी कर सकता हूँ। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, इन दोनों ने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी निराश किया है। दोनों में से देखो, दोनों ही बड़े नाम है, यहाँ पर इनको ड्रॉप करना तो काफ़ी रिस्की है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तभी ड्रॉप करिएगा, बाकी एज अ प्लेयर दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तिलक वर्मा, जैसा कि इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला था वैसा ही खेल रहे भाई, बंदे के पास कॉन्फिडेंस है, बच्चे से काफ़ी गजब कॉन्फिडेंस से खेलता। तो ऐसे तिलक वर्मा को आज की मैच के लिए हम लोग लेके जाएंगे। संजू सैमसन, देखो यहाँ पर इनको ये आखिरी चांस है, अगर आज भी अगर नहीं खेलते या फिर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, तो हो सकता है ये टूर्नामेंट इनके लिए आखिरी हो सकती है। तो भाई इनके लिए भी यहाँ पर ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है,
क्योंकि सिलेक्टर ने काफ़ी लंबे समय के बाद इनको मौका दिया है और इन्होंने अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो आई थिंक आगे आपको शायद ये इंटरनेशनल खेलते हुए नजर ना आए। तो इसके लिए संजू सैमसन को खेलना बहुत ही ज़रूरी है। विकेट कीपिंग सेक्शन से देखेंगे, चाहो तो ट्राई कर सकते हैं, मुझे थोड़े से रिस्की लग रहे हैं। हार्दिक पंड्या लास्ट मैच के हमारे वाइस कप्तान थे, आगे भी हम लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान करेंगे। अक्षर पटेल ने लास्ट मैच के ओवर्स नहीं करवाई तो अभी के लिए इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, लेकिन रवि बिश्नोई अगर खेलते तो आप लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी अर्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे। मुकेश कुमार की बात करते हैं भाई, लास्ट मैच के अंदर 19वें ओवर्स लेके आए थे जहाँ पर 14 रन पिटवा दिए, आई थिंक 14 नहीं, एक सिक्सर एक चौका बराबर करीब 14 रन पिटवा दिए और आसानी से मैच को जीत लिया था वेस्ट इंडीज़ ने। और वो भी किन्ने नहीं माना था, अल्जारी जोसेफ ने एक छक्का लगाया था और एक चौका लगाया था यहाँ पर अकील हुसैन ने। तो मुकेश कुमार मुझे थोड़े से रिस्की लगे, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर अर्षदीप सिंह, हार्दिक पंड्या डेथ ओवर्स में, यहाँ पर अर्षदीप सिंह के साथ मुकेश कुमार डेथ में आए थे और बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं भाई, वेस्ट इंडीज़ ने ज़बरदस्त कमबैक किया और इनके कमबैक के पीछे ना मुझे एक ही प्लेयर का हाथ लग रहा है वो, और वो है अपन निकोलस पुरन भाई, गजब का परफॉर्मेंस है रिसेंटली, ज़बरदस्त फॉर्म है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कायल मेयर्स की बात करते हैं तो दोनों मैच के अंदर ठीक ठाक किए, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच के अंदर बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवाए थे, वैसे बैटिंग से भी आपको बड़ा एडवांटेज दे सकता है। ब्रेंडन किंग टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, ये खेलेंगे तो हो सकता है बड़ा परफॉर्मेंस दे रहे, पहले मैच के ना 28 रन भी किए थे और आउट हो जाएंगे, जल्दी आउट भी हो जाएंगे, टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है। सेम चीज़ यहाँ पर जॉन स्टार्स के भी बारे में, तीनों में से किसी एक प्लेयर को लेना हो तो ले सकते हैं और वहाँ पर मेरा सजेशन कायल मेयर्स के ऊपर रहेगा। निकोलस पुरन हमारे लिए एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। रोमन पोवेल को भी हम लोग लेके जाएंगे क्योंकि ये भी कंसिस्टेंट है, टीम के कप्तान भी है यहाँ पर। इनके अलावा ऐसे सिमरन हेटमायर जो कि हमेशा टीम इंडिया के सामने अच्छा खेलते हैं लेकिन यहाँ पर इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। लास्ट मैच के अंदर बैटिंग आई 22 रन किए, पहली मैच के अंदर 10 रन किए थे और वहाँ पर देखो अगर टॉप में से कोई अच्छी एक पार्टनरशिप हो जाती है तो उस कंडीशन में शायद यहाँ पर हेटमायर की बैटिंग भी ना आए, वरना फिर ऐसे 10-15 गेंद भी अगर खेलने को मिल जाती है तो कम से कम ऐसे 20-25 रन बना के दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ऐसे सिमरन हेटमायर को। सेफर्ट जबरदस्त फॉर्म में, डेफिनेटली लेके जाएंगे हम लोग। जेसन होल्डन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर है इस टीम की बात करें तो, वेस्ट इंडीज की टीम से, चाहो तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन मेरा सजेशन रहेगा इस प्लेयर को ड्रॉप बंद करना भाई, ये मुझे इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा भरोसा है। हालांकि रिसेंटली इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, एक तो इन्होंने IPL में रन पिटवाए थे, इसके बाद अभी रिसेंटली आई थिंक ये टूर्नामेंट के अंदर भी इनको पिटा गया था जेसन होल्डर को, तो अभी रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा ठीक ठाक है, चाहो तो ले सकते हैं, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं। अकील हुसैन वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इनके साथ यहाँ पर अल्जारी जोसेफ को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, पहले मैच के अंदर विकेट लेस रहे थे, रेगुलर यहाँ से पूरी ओवर्स करवाएंगे, डेथ ओवर्स वगैरह में भी आ सकते हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है। इसके साथ यहाँ से ओविड मैकोई की बात करें तो पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकालने के बाद लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे थे, ओवरऑल 73 मैच के अंदर 104 विकेट है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, ध्यान में रखिएगा इनको। स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ पर अकील हुसैन के साथ ओविड मैकोई, डेथ ओवर्स में यहाँ पर ओविड मैकोई के साथ यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड आएंगे और बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये मैच हम लोग यहाँ से बल्लेबाजी ऐप में ही खेलेंगे, तो जिन भाइयों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया बल्लेबाजी ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बल्लेबाजी में खेलने का फायदा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताए थे। यहाँ पर देखो जो लोग यहाँ पर मतलब ग्रैंड लीग जैसी लीग या मिनी ग्रैंड लीग जैसी लीग खेलना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस है, मतलब जिनका बजट कम है इनके लिए भी ऑप्शंस है और बाकी यहाँ पर गिव अवे वगैरह भी होते रहते हैं। अभी के लिए टीम बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से निकोलस पुरन और ईशान किशन दोनों को लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं रोमन पोवेल है इनके साथ, यहाँ पर देखो यादव और गिल दोनों ही इतने अच्छे फॉर्म में नहीं लेकिन इन दोनों को ड्रॉप करना काफ़ी रिस्की है, तो चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आज की बात करें तो आज शायद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है, अगर यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा तो उस कंडीशन में हो सकता है यहाँ पर संजू सैमसन के ऊपर कैंची चल सकती है। बैटिंग सेक्शन में आई थिंक एक बड़ा रिस्क लेना है, देखो मैं यहाँ पर तिलक वर्मा को लेना चाहता हूँ, बाकी शुभमन गिल और यादव दोनों में से किसी एक को लेंगे तो आज यहाँ पर शुभमन गिल को मैं यहाँ पर बलि चढ़ा रहा हूँ, लेकिन याद रहेगा इनको ड्रॉप करना भी बहुत बड़ा रिस्क है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं ब्रेंडन किंग को हम लोग नहीं लेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन से भी हमें एक ही प्लेयर चाहिए और मैं अभी के लिए मैं यहाँ से हार्दिक पंड्या को ले रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में से यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड, अल्जारी जोसेफ,
दोनों को लेंगे, यहाँ पर अकील हुसैन को भी ले सकते हैं। युजवेंद्र चहल रहेंगे हमारी टीम के अंदर, इनके साथ साथ यहाँ पर अर्शदीप सिंह रहेंगे और अकील हुसैन। देखो अकील हुसैन को लेने के लिए एक ही मतलब रीज़न है हमारा, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करवा लेते हैं। टीम की बात करते हैं तो विकेट कीपर दोनों बल्लेबाज हमारे कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, यहाँ पर हार्दिक पंड्या भी है और इनके साथ साथ ऑप्शंस मैंने आपको वीडियो के अंदर दिए हुए। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, निकोलस कप्तान है, वाइस कैप्टन ईशान किशन है, इनके अलावा ऐसे और बॉलिंग सेक्शन से आप लोग रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें भी कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिलेगी, फाइनल टीम टेलीग्राम में मिलेगी आपको, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से ज्वाइन करना है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, बल्लेबाजी आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगी। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।